वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। और मैंने अपने बेस में कराया था एक और रेड, वो भी हार्ड लेवल करके। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं साइड से आ गए, तो मैंने उनको आराम से मार दिया। फिर दो तीन वेव्स नहीं वेव से कह रहा हूँ वेव एक और हुआ, एक और वेव हुआ। फिर उसके बाद ये वाला सीन आया, ये देखो डबलिन के घर के अंदर ही ये लोग स्पॉन करके, मेरे को दिखे भी नहीं, मैं जस्ट उनके साइड से गिरा। फिर कुछ टाइम बाद मेरे को दिखे तो मैंने एक एरो मारा, ठीक है। फिर पता नहीं कैसे करके विंडिकेटर से वो आग डबलिन को फैल गई, ठीक है। फिर डबलिन बर्न टू डेथ, डबलिन की डेथ हो गई भाई। डबलिन को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा प्यारा फर्स्ट जिसको मैंने नेम टैग दिया, वो एक गधे को नेम टैग दिया मैंने फर्स्ट, और नाम भी दिया है डबलिन। डबलिन देख रहा है, हीरो ऑफ द विलेज। फिर तीन वेव्स हो गए थे आई गेस, तीन वेव्स के बाद अब आना स्टार्ट हो गए थे हम लोगों के फेवरेट इवोकर, जिसकी वजह से मैंने पूरा रेड मारा है, ठीक है। तो तीन चार लोग आए, इनको मैंने तीर से मार दिया, मेरे वुल्फ्स को भी मार रहा है, ठीक है। मैंने बोस ही भाई, मैं बोस ही ख़त्म कर देता हूँ सबको भाई, क्योंकि डिस्टेंस बना के सही रहता है। और वो रहा इवोकर, इवोकर को हाँ अब मर गया, और मेरे को मिल गया मेरा पहला टोटन ऑफ अनडाइंग, मज़ा आ गया भाई। और ये रेड बहुत भयंकर था भाई, ये देखो मैं लेजिट खड़े होके देख रहा हूँ आयरन गोलम और ये भैंसे को लड़ते हुए। फिर भैंसा आया मेरे पे थोड़ा डैमेज दिया, फिर मैंने एट द एंड मार ही दिया उसको। और ये रेड बहुत वाइल्ड था भाई, मतलब बहुत खतरनाक वाइल्ड था। मैं मतलब इन लोगों ने कितने विलेजर्स को मारे होंगे मुझे नहीं पता, मैंने कितने अपने खुद के कैट्स को मार दिए बोसे मेरे को नहीं पता, डॉग्स को मैंने मार दिए। फिर ये लोग मारे जा रहे रेड और इनको तो बोसे हरा रहा हूँ, विलेजर्स को मारे, विलेजर्स बेवकूफ़ बाहर खड़े रहते हैं, मेरे को इन बस में बहुत गुस्सा आता है भाई। फिर आयरन गोलम से भाई, आयरन गोलम से बहुत बचा है भाई मेरे को इस रेड में, सही में मजाक से हट के भाई। ये देखो मैं आखिरी अपने उसको ढूंढ रहा था, आखिरी पिलेजर को ढूंढ रहा था, अभी इवोकर ने अपना दे दिया है अटैक और मैं नीचे गिर गया। यहाँ पे भाई जॉम्बीज की बसड़, इवोकर को मैं कहूँगा स्पॉइलर अलर्ट, मैंने इस इवोकर को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी अपने लिए, क्योंकि ये देखो सारे के सॉरी जॉम्बीज आ गए, मेरे को धक्का मार मार के भाई नीचे गिरा दिया। मेरी इतनी फट गई थी उस टाइप की, मैंने टोटल ले लिया हाथ में कि भाई रिस्क नहीं करना, मरना नहीं है यहाँ पे, गड्ढे में आके नहीं मरना। फिर देखो ये आके, मैं अभी बेवकूफ़ पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बहुत मैं बहुत नीचे आ चुका था। फिर उसके बाद लाइट की, ये बेवकूफ़ नीचे गिर गया। फिर उसके बाद मैं कैसे भी करके मतलब गया ऊपर तक ब्लॉक्स, मतलब बहुत नीचे आ गया था भाई साहब मैं, और एक बीच में आयरन गोलम भी खड़ा था, तो पता नहीं आयरन गोलम बेचारा नीचे गिर गया था। फिर मैं बहुत मुश्किल से ऊपर जाता हूँ और फिर मैं एक बहुत भयंकर नज़ारा देखता हूँ ऊपर जाके। ये देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ और मेरे को भनक तक नहीं थी कि मेरे नीचे रहते हुए मेरे ऊपर आते आते क्या कुछ हो गया। आगे देखो बसड़ लगी पड़ी है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए भाई, अंदर घुस गए और ज़्यादातर विलेजर्स को मार दिया भाई। ये आयरन गोलम MVP है भाई इस रेड के विक्ट्री के लिए, क्योंकि इसने बचाया लेजेट मेरे को हारने से। ये देखो अराउंड 20-25-30 होंगे विलेजर्स, सिर्फ 5 या 6 बचे, ठीक है। इसने बचाया लिटरली भाई इस आयरन गोलू ने, मैंने इस रास्ते को ब्लॉक किया कि और कोई ना घुस पाए अंदर। फिर मैं ऊपर गया ताकि मैं मार पाऊँ उनको, बाहर के भी विलेजर्स जो भटक रहे थे वो भी मर गए। ये देखो ये घूम रहे हैं वहाँ पे, कौन कहाँ घूम रहे हैं वहाँ साइड में, तो घूमे जा रहा है वो बंदा भैंसे के ऊपर आराम से मस्त भाई। बहुत ही वाइल्ड था, बट एट दी एंड मैं ये रेड जीत गया, ये इस बात की खुशी मैं जीत गया। बट भाई जीता भी, बट एट वॉट कॉस्ट भाई, आधे से ज़्यादा विलेजर्स मर गए मेरे, अच्छे वाले विलेजर्स मरे हैं भाई। फॉर्च्यून 3 वाला विलेजर मरा है मेरे को याद है, एक शायद प्रोटेक्शन 4 वाला भी मरा है मेरा विलेजर। और लास्ट ये शायद ये हाल ये लास्ट वेव था, लास्ट वेव में भैंसे के ऊपर चढ़ के एक पिलेजर ही है, हाँ ये पिलेजर ही आ गया था मेरे पास। मैंने सोचा भाई छोड़ो भाई, मैं शार्पनेस 2 का उठाऊंगा अपना एक्स और इसी से एंड करूंगा, पहले दो तीन थोड़ा जलाया इनको, फिर उसके बाद इनको पट पट करके मारने लग गया मैं, ख़त्म। वो भैंसिया मर गया, अब ये बचा हुआ है क्रॉसबो वाला, ये क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। और यहाँ पे हो गई है विक्ट्री मेरी भाई, बहुत भयंकर रेड था मेरी सही में, फटी थी इस रेड में, बट मज़ा भी आया उतना।
मजाक नहीं करूंगा, विक्ट्री हो गई यार, बट सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचा ही नहीं विलेजर भाई। और गाइज मेरे को इस रेट से बोलना भूल गया, 5 टोटन ऑफ अंडाइंग मिले तो भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। सो गाइज यही था आज का वीडियो, आई होप को पसंद आया होगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड पीस आउट।